बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी। इम्प्रूव रेसिपी दे रही हूँ आज आप लोगों को, जो कि एक ऐसी रेसिपी थी मेरी बहुत ज़्यादा वायरल गई थी, जिस पर बहुत सारे लोगों की कंप्लेंस आए कि ये हमसे बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी। तो आज कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं बड़े साइज़ के, जो कि मैंने लिए हैं 6 अदद, और इसके हम साइडों के एजेस को इस तरह से रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ मैं, बस इस तरह से रिमूव कर रही हूँ। तो ये ब्रेड जो है वो मैंने 2 दिन पुराने लिए है, ताज़ी ब्रेड का इस्तेमाल इसमें मत कीजिएगा। तो यहाँ पर इसके मैंने छोटे छोटे से इस तरह से टुकड़े निकाल लिए हैं ब्रेड के, और इसको मैं डाल रही हूँ मिक्सिंग बोल में। तो आप चाहें तो चॉपर का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से तोड़ने से जो है वो बेस्ट रिजल्ट आता है। तो ये मैंने ब्रेड के पीसीस को तोड़ के डाल दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1/4 कप ये मैंने दूध लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके अभी दूध डालेंगे, और जितना इसमें इस्तेमाल मैं करूँगी वो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल किया है, जो कि रूम टेम्परेचर था, ना तो ठंडा था ना तो ल्यूकवॉर्म था। तो यहाँ पे देखें मैंने 4 टेबल स्पून ही इस्तेमाल किया है दूध, और इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी देखें इस तरह से थोड़ा सा चिपका चिपका है। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मिल्क पाउडर, जो कि थोड़ा सा टेस्ट भी इसमें बढ़ा देगा, और ये होगा कि इससे बिखरती भी नहीं है ब्रेड गुलाब जामुन। तो 2 टेबल स्पून इसमें आप नीडो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार सी गुलाब जामुन बन जाएंगी, और ऐसे लगेगा जैसे कि आप खोए वाली गुलाब जामुन खा रहे हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रेड गुलाब जामुन जो बनती हैं वो अच्छे जायके की नहीं होती हैं, तो इस ब्रेड गुलाब जामुन में अगर आप डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब इसके हम छोटी छोटी सी बॉल्स निकालेंगे, जिस तरह से नॉर्मल सी बॉल्स होती हैं। देखें इस साइज़ की मैंने गुलाब जामुन की बॉल्स निकाल ली हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी गुलाब जामुन को बना के तैयार कर लिया है। 13 से 14 आपकी गुलाब जामुन इसमें बन जाएंगी। इसको साइड में कर देते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे शीरे को प्रिपेयर करेंगे। शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी ले ली है, जो कि आप चाहें तो 1 कप चीनी से भी बना सकते हैं शीरे को। तो मैं यहाँ पे 2 कप चीनी का शीरा बना रही हूँ। तो ये मेरा चाय का कप है, इसमें हम सेम कप से ही नापते हुए डालेंगे 2 कप पानी। तो जितना आपने चीनी लेनी है उतना ही कप आपने पानी का इस्तेमाल करना है। हरी इलायची कूट के मैंने डाली है तकरीबन 3 अदद, और यहाँ पे थोड़े से सैफ्रॉन के थ्रेड्स डाल रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है, अगर हो तो आपके पास ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर डाल रही हूँ, जो कि थोड़ा सा ब्रेड गुलाब जामुन में एक अच्छा सा कलर इसमें देगा। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ तकरीबन, देखें, और डाल के इसको अच्छी तरीके से बक्स मिक्स कर लेंगे, और इसमें तकरीबन 6 से 7 बॉयल आने देंगे। जब तक इसमें बॉयल आते हैं तो इसको हम कवर करेंगे। तो शीरे को हम तकरीबन 7 से 8 बॉयल आने तक बॉयल करेंगे। 7 से 8 बॉयल आने के बाद चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे और इसको ल्यूकवॉर्म ही रहने देंगे। अभी शीरा रेडी हो गया, इसको साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को गरम कर लिया गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। छोटी सी एक बॉल डालेंगे हम इसके अंदर, और अगर ये बॉल फ्राई होने के बाद थोड़ी सी ऊपर बिखर के आ जाती है तो आपने क्या करना है, एक और ब्रेड का स्लाइस लेना है, तोड़ना है और डाल देना है डो के अंदर, या थोड़ा सा आप इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं बिखरी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखें बिल्कुल भी नहीं बिखर रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा रेडी हुआ है। तो आपने मेजरमेंट जो रखनी है वो सेम इसी तरह से रखनी है। और अब मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी गुलाब जामुन भी इस तरह से फ्राई करके दिखाती हूँ, और इसको आपने इस तरह से फ्राई करना होता है, और इस तरीके से आप इसको घुमाते जाइएगा। और यह है कि चम्मच इसमें बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना होता, बस तेल को छालते जाइएगा ताकि इवन घूमती रहे और एक इवन कलर में फ्राई होती हुई आए। तो बिल्कुल स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर जब इसमें आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल भी नहीं बिखरी है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये डो रेडी हुआ है। तो जो मैंने टिप्स बताए हैं इस रेसिपी के लिए आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब बाकी की भी गुलाब जामुनों को हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो कुछ अहम टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं इंस्टेंट रेसिपीज़ के लिए। अगर आपकी गुलाब जामुन तेल में जाएं और बिखर जाएं तो आपने थोड़ा सा और ब्रेड को शामिल कर देना है या मिल्क पाउडर को, सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी। तो यहाँ पे मैंने इस गुलाब जामुन को निकाल लिया है, और ये देखें ये जो मैंने छोटी सी कच्ची है हमारी, इसको भी मैंने फ्राई करके आप लोगों को दिखा दिया है, ये भी नहीं बिखरी है। तो यहाँ पर हम सारे गुलाब जामुनों को डालेंगे और इसी तरह से डाल के हम इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्की आँच पर, और बहुत ज़्यादा इसको चलाना नहीं है। इसको चलाने का तरीका ये होता है, देखें इस तरह से,
थोड़ा सा मैंने तेल को उछाला और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बीच में इस तरीके से चम्मच को घुमाती जा रही हूँ और ये खुद ब खुद रोटेट होती जाएंगी और एक इवन कलर में ये गोल्डन सी फ्राई होती हुई आएंगी। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ब्रेड गुलाब जामुन है या कोई भी गुलाब जामुन हो, आपने उसको बिल्कुल हल्की आँच पर फ्राई करना है इस तरह से चलाते हुए, ताकि वो जले नहीं, क्योंकि ये जो रेसिपीज़ होती हैं गुलाब जामुन वगैरह की, ये काफ़ी जल्दी से कलर पकड़ लेती हैं। तो देखें, इसी तरह से बस चम्मच को आपने चलाते जाना है और ये जब जब थोड़े से डार्क कलर में हो जाएंगी तो बस हम इसको निकाल लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारी ब्रेड गुलाब जामुन हो गई हैं फ्राई, इसको हम निकाल लेते हैं और इन गुलाब जामुन को अब हम डालेंगे शीरे में, जो कि बिल्कुल ल्यूक वॉर्म है। तो इसको डालने के बाद आपने शीरे के अंदर पकाना नहीं है, ठीक है, वरना तो ये बिल्कुल खुल जाएंगी, भीग के बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारा शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी है, ल्यूक वॉर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, देखिए इसमें भापे निकल रही हैं, लेकिन बस इसको आपने पकाना नहीं है गुलाब जामुनों को शीरे के साथ। तो यहाँ पे शीरा जो है वो गर्म गर्म है और इसी में हम डाल देते हैं इस गुलाब जामुनों को और इसके साथ हम इसको सोक कर लेंगे तकरीबन एक घंटे के लिए। तो इसको हम इस तरह से हिला देंगे शीरे के साथ और इसको हम कर देते हैं आप कवर और इसको तकरीबन एक घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब तकरीबन एक घंटा गुजर चुका है, तो ये देखें बेहतरीन सी हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। तो ये देखें थोड़ी सी फूल गई हैं हमारी शीरे में भिगोने के बाद और अब मैं दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। तो बहुत ही मज़ेदार बन जाती हैं, इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी, कोई कंप्लेन नहीं होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और इसका फीडबैक इस बार ज़रूर दीजिएगा, ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।